कोई बात भी नहीं करने आ रहा है। इन्फॉर्मेशन मिला है अभी 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 तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ पे? ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे जहाँ तक मैंने सुना है स्टूडेंट्स के बारे में, हाँ जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ पे शायद 30-35 स्टूडेंट्स थे, आई एम नॉट श्योर, ये मैंने सुना है। अब वहाँ पे शायद 3 डेड बॉडीज मिली है, सो आई आस्क्ड देम कि बाकी लोग कहाँ चले गए। यहाँ पे कोर कमेटी क्यों बनाई गई है? यहाँ पे कोर कमेटी भी बनाई, यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, सी ग्रुप नहीं। सो हम लोग हर कोई अपने आप जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वी हैव नो एजेंडा, वी जस्ट वांट देम टू आंसर, दैट्स इट। आपका नाम बता सकते हैं? तनुश्री। और आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम असम। हाँ ओके, आई एम फ्रॉम असम। कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि ये जो सिविल सर्वेंट्स है, हम में से बने हैं ना, तो ये बहुत दुख की बात है कि ये लोग हमारा दुख नहीं समझ रहे। इससे बड़ी दुख की बात हो ही नहीं सकती है कि ये हम में से निकले हैं और ये आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? आज मेयर, हम चाह रहे हैं कि मेयर आके एड्रेस करे, बट आई डोंट नो। एनीबॉडी फ्रॉम द गवर्नमेंट हैज कम? कोई भी नहीं आया है इस वक्त? आई थिंक एमपी आई थी और बाकी मुझे नहीं पता है। यहाँ पे एक छात्रा ने हमसे बात की है, वो खुद भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है और उनका कोचिंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। देश के कई हिस्सों से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि यूपीएससी का पक्का है। 5 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी से एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है जो कि इस बार मेंस लिखने वाला था, 5 साल से यहाँ पे रह रहा था, कोई एक्शन नहीं हुआ है, ब्लॉकेज। इस बार फिर वाटर की वजह से 2 स्टूडेंट की बता रहे ऑफिशियली, बट ऐसे में 20-25 लोग हैं जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं है। क्यों आखिर ऐसे क्यों? हम यहाँ पर नहीं, हम लोग बाहर के हैं, तो इसका मतलब क्या? हम यहाँ पैसा पे कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रही है? देश के लिए कर रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और जो यहाँ पे गुजर चुके हैं वो यूपी से थे और तेलंगाना से थे। आखिर कब तक? हर साल ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं इनकी नागरिकी ना लिखियों की वजह से। इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप लोग? यहाँ पे कोचिंग सेंटर ब्रोकर ओनर सबकी लॉबी बनी हुई है, सबको पैसा जाता है, स्टूडेंट का यहाँ कोई देखने वेखने वाला नहीं है। आपस में नेक्सस है, आप ये समझिए कि जस्टिस लेने के लिए इतना हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। 3 लोग मर चुके हैं ऑफिशियली डिक्लेयर हुए, अभी कईयों का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। उन्होंने पीछे से रात में लाइट बंद करके वो सब कूड़े की तरह बच्चों को बाहर के ले गए हैं, अभी वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये लड़ाई उनकी भी और हमारी भी है, कल को उनकी जगह हम भी हो सकते हैं। अगर आज आवाज नहीं उठाएगा तो कल को ये होगा। स्टूडेंट्स में बहुत गुस्सा है। कहना उनका बस यही है कि एक तरीके से ये नेक्सस है और कोचिंग सेंटर्स का जो एक सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस वक्त।